हाय फ्रेंड्स, मनी मेकर 2307 में आपका भरे दिल से स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं रामा स्टील शेयर के बारे में। दोस्तों, रामा स्टील शेयर जो है आपका यहाँ से बहुत बढ़िया एक जंप देने के लिए तैयार है। देख सकते हो कि आज अर्निंग आने वाला है और अर्निंग बहुत ज़बरदस्त आने वाला है, क्योंकि आपका जो यूपी में 600 करोड़ का आपका इन्वेस्टमेंट था उसका भी आपका प्रॉफिट आएगा। ऊपर से 160 प्लस कंट्री में जो एक्सपोर्ट प्रोडक्ट है उसका भी अर्निंग्स आज रिलीज़ होगा। उससे भी जो अर्निंग्स आपका आएगा उसको अपडेट करेगा, और ऑडिट जितने भी अनऑडिटेड आपका रेवेन्यू है उसको भी आज ऑडिट किया जाएगा। ऑपरेटर्स द्वारा थोड़ा बहुत आपको देख सकते हो कि आज जो है सपोर्ट जो मैंने बताया था उसी पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। सपोर्ट है और सपोर्ट पे ही खड़ा है। 38.75 इसका करंट सपोर्ट है और सपोर्ट पे ही स्टॉक जो है आपका खड़ा है पूरा, और स्टॉक यहाँ से फिर से आपको एक अपमूव देने के लिए पूरा रेडी है। और देख के चल सकते हो कि जैसे कि आपका बहुत बढ़िया सपोर्ट जो है निकल के आ रहा है वो है आपका 37.85, और उसी में स्टॉक जो है आपका ट्रेड करता हुआ दिखाई दिया है। स्टॉक ने आपका जैसा मैंने बोला था कि 37 का टारगेट दिखा देगा, अगर 34.85 का टारगेट आपको 34.85 के ऊपर अगर गया तो फिर आपका 37 का टारगेट दिखाएगा। वैसा ही हुआ, 34.85 जहां क्रॉस किया तो 37 का टारगेट दिखा चुका है, और एक्चुअल में ये स्टॉक जो है आपका 39.80 का टारगेट भी दिखा चुका है, 39.80। और अभी जो रेजिस्टेंस है उसके बारे में चर्चा करेंगे, तो अभी रेजिस्टेंस देख लेते हैं। तो स्टॉक में अभी जो करंट रेजिस्टेंस है दोस्तों वो आपका 40 का है। 40 आपका एक रेजिस्टेंस का काम करेगा स्टॉक में। तो 40 के ऊपर जिस दिन रामा स्टील क्लोजिंग दे दिया उस दिन आपका 15 मिनट जाके ट्रेडिंग करना है। 40 के ऊपर सिर्फ 15 मिनट क्लोज आपको ट्रेडिंग करना है, बस 15 मिनट। तो 15 मिनट में अगर आपका रामा स्टील 40 के ऊपर ट्रेड करे तो एक अपर लेवल में जाने का पॉसिबिलिटी है। फिर ये स्टॉक जो है अपर ट्रेंड में ही है, देख सकते हो कि एक अप मूव में ही है और अप मूव में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो नीचे आने का भी पॉसिबिलिटी नहीं है, बिल्कुल शौक से बाई कीजिए और बहुत ही अच्छा अर्निंग रिलीज होगा, और उसी के साथ साथ स्टॉक में एक अच्छा खासा तेज़ी देखने को मिलेगा। 40 के ऊपर 15 मिनट अगर टिक गया स्टॉक, अच्छे से ध्यान रख दो, 40 के ऊपर अगर 15 मिनट टिक गया तो स्टॉक में आपको 46 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो 46 का लेवल आपको बहुत जल्द देखने को मिल सकता है, जो इसका 52 एक हाई भी है। लेकिन फिर भी आपका जो इनिशियल टारगेट निकल के आ रहा है वो टारगेट आपको निकल के आ रहा है, इनिशियल टारगेट देख लेते हैं। इनिशियल टारगेट है 44.35 का टारगेट निकल के आ रहा है। तो रामा स्टील का टारगेट 44.35 आपको जून लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ आपका अगर 44.35 पे आया तो आप समझ लेना कि स्टॉक बेचने का नहीं है, क्योंकि आपका लाइफ टाइम हाई 46 को टच करेगा और हो सकता है कि उससे ऊपर भी जाके क्लोज हो जाए। तो टारगेट आप 46 का ही लेके चल सकते हो, लेकिन इनिशियल टारगेट जो रहेगा 44.35 इसका रामा स्टील का इनिशियल टारगेट रहेगा, और ये आपको जून लास्ट तक देखने को मिल जाएगा। और देख लेते हैं सपोर्ट कहाँ पे है। सपोर्ट आपका देख सकते हो कि अच्छा खासा सपोर्ट जो है 36.65 इसका अभी सपोर्ट बन चुका है। बहुत बढ़िया सपोर्ट है, ये मेजर सपोर्ट है। और इनिशियल सपोर्ट अगर देखा जाए तो इनिशियल सपोर्ट में स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो 38.75 ये इसका इनिशियल सपोर्ट है, और इसी के नीचे नहीं आ सकता है अभी करंट सिनेरियो में, क्योंकि अर्निंग भी अच्छा खासा आएगा और ऊपर से आपका स्टॉक में अच्छा खासा जंप देखने को मिलेगा यहाँ से, और स्टॉक अच्छा खासा रिकवर भी कर लिया है। अगर बोलोगे कि रिकवर का तो देख सकते हो कि अच्छा खासा स्टॉक ने रिकवर किया है। तो इसी बेसिस पे एक अप ट्रेंड बना रहेगा शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो बाइंग रिकमेंडेशन है करंट मार्केट प्राइस में भी आपका 44 का टारगेट और उसके बाद 46 का टारगेट भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो एनालिसिस अगर अच्छा लगे रामा स्टील का तो आप सब्सक्राइब कर लेना आप ही का चैनल मनी मेकर 2307।